एक तरफ जहां केंद्र सरकार ने बिहार को 60,000 करोड़ रुपए की सौगात दी है, वहीं बिहारियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर हम आए हैं और आपको बताते चले कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया की नंबर वन कंपनी में से एक कंपनी बिहार में 1400 करोड़ रुपए का यानी कि 1,400 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने जा रही है और बिहार में एक बहुत ही बड़ी सीमेंट फैक्ट्री खोलने जा रही है। और इतना ही नहीं बल्कि 29 जुलाई को इसका भव्य उद्घाटन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों होना तय बताया जा रहा है। वहीं आपको हम आगे इस रिपोर्ट में वो तमाम बातें बताने जा रहे हैं कि आखिर बिहार को जो 60,000 करोड़ रुपया मिलने जा रहा है उसके बाद 20,000 करोड़ रुपया नेताओं, अधिकारियों, इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर यानी कि ठेकेदार और कंस्ट्रक्शन कंपनियों के पॉकेट में जाने वाला है, जिसके बाद से नेताओं के यानी कि अधिकारियों के, इंजीनियरों में और इतना ही नहीं कंस्ट्रक्शन कंपनियों में भी खुशी की लहर दौड़ गई है क्योंकि 20,000 करोड़ रुपया इनके पॉकेट में जाने वाला है। वहीं 1400 करोड़ की फैक्ट्री, सीमेंट की फैक्ट्री बिहार में आखिर कौन सी कंपनी लगाने जा रही है, कहां पर इस फैक्ट्री का उद्घाटन होना है और इस फैक्ट्री में कितने हजार लोगों को रोजगार मिलने जा रहा है, ये तमाम बातें इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार में 1400 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है और हजारों लोगों को रोजगार मिलने जा रहा है। उन लोगों को रोजगार मिलेगा जो कि बिहार से पलायन कर दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी कर रहे हैं, अब बिहार में ही उन्हें रोजगार मिलने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि केंद्र सरकार ने इस आम बजट में बिहार को 60,000 करोड़ का विशेष पैकेज दिया है, जिसमें से 26,000 करोड़ रुपया पुल, पुलिया और रोड कंस्ट्रक्शन बनाने में खर्च किया जाएगा। यानी कि 26,000 करोड़ रुपया बिहार को सड़क और पुल बनाने के लिए जो दिया गया है, जिसके बाद से नेताओं, मंत्रियों, इंजीनियर, ठेकेदारों और कंस्ट्रक्शन कंपनी में खुशी की लहर दौड़ गई है। आखिर खुश क्यों है तो उसे जरा समझ लीजिए पहले, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर बिहार में 1400 करोड़ की फैक्ट्री जो लगने जा रही है उसमें कितने हजार लोगों को रोजगार मिलने वाला है। आपको सबसे पहले बताते चले कि बिहार को जो 26,000 करोड़ रुपया मिला है केंद्र सरकार द्वारा बिहार में सड़क और पुल, पुलिया का निर्माण करने के लिए, इसमें से आप समझ लीजिए कि 20,000 करोड़ रुपया तो नेता, इंजीनियर, भ्रष्ट ठेकेदार के पॉकेट में जाने वाला है, मात्र 6,000 करोड़ से पुल, पुलिया और सड़क का निर्माण कराया जाएगा, जो कि उद्घाटन से पहले ही हर बार की भांति इस बार भी गिरेगा। आप सभी जानते हैं कि बिहार में मात्र 18 दिन में 14 से ज़्यादा पुल गिर गए थे और ये मात्र 18 दिन का आंकड़ा है। अगर पिछले 5-10 साल का आंकड़ा अगर निकालेंगे तो नीतीश कुमार को काफ़ी शर्म महसूस आएगी। और बिहार में तो आखिर पुल और सड़क गिरते रहते हैं, रोड में गड्ढे हो जाते हैं, लेकिन सरकार कभी भी ठेकेदार पर कार्रवाई नहीं करती, ज़्यादा ज्यादा किसी को सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन 3 महीने के बाद फिर से बहाली हो जाती है। तो इसीलिए हमने कहा कि 20,000 करोड़ रुपया तो नेता, ठेकेदार और इंजीनियर के पॉकेट में जाएगा, इसीलिए इन लोगों के परिवार में खुशियों का दौर छाया हुआ है और ये लोग दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और यहाँ तक कि सिंगापुर में भी फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं, बड़ी बड़ी BMW गाड़ियाँ खरीदने की सोच रहे हैं, अपने नौकरों के लिए फॉर्चूनर खरीदने का, फॉर्चूनर जो कि 50 से 60 लाख की गाड़ी आती है उसे खरीदने का प्लानिंग कर रहे हैं। क्योंकि 20,000 करोड़ समझते हैं, 20,000 करोड़ में कितना सुनना होता है ये भी आम जनता को उतना जानकारी नहीं होता, लेकिन ये 20,000 करोड़ रुपया इन भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं के पॉकेट में जाएगा। सरकार कुछ भी दे देगी, केंद्र सरकार कुछ भी दे देगी, लेकिन ये तो लूट खसोट जो जारी है वो आगे भी जारी रहेगा। चलिए अब मुद्दे की बात पर आते हैं, जो खुशखबरी लेकर हम आए हैं उस अब आप खुशखबरी सुन लीजिए। बताया जा रहा नवादा जिले के
वारसलीगंज में चीनी मिल की जमीन पर उद्योगपति अडानी समूह के अंबुजा सीमेंट की यूनिट की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 29 जुलाई को वारसलीगंज में भूमि पूजन करने वाले हैं और इसकी जानकारी अडानी ग्रुप ने दी है। और अडानी ग्रुप के AGM प्रभात श्रीवास्तव ने कहा कि चीनी मिल की जमीन को बियाडा के माध्यम से अडानी समूह ने लेकर अंबुजा सीमेंट का यूनिट का स्थापना करने जा रही है और इसका भूमि पूजन और उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कर कमलों द्वारा किया जाने वाला है। वहीं फैक्ट्री लगने की सूचना के बाद वारसलीगंज समेत जिला के बेरोजगारों में खुशी की लहर दौड़ गई है। बिहार के बेरोजगारों में खुशी की लहर दौड़ गई है, जो कि बाहर जाकर दूसरे राज्यों में जाकर शोषित होकर के, प्रताड़ित होकर के और ट्रेन से जब जाते हैं तो भेड़ और बकरियों की तरह ट्रेन में भर भर के जाते हैं। 10-20 हज़ार की नौकरी करने दूसरे राज्यों में पलायन करके जाते हैं, अपने घर परिवार से, अपनी पत्नी और बाल बच्चे से दूर रहना पड़ता है, अपने जन्मदाता माता पिता से, अपने गांव से दूर रहना पड़ता है। उन सारे बेरोजगार भाइयों एवं बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि बिहार के नवादा जिले के वारसलीगंज में चीनी मिल की जमीन पर अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री लगने जा रही है और इसमें 1,400 करोड़ रुपया अडानी ग्रुप इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वहीं बताया जा रहा कि 72 एकड़ जमीन को बियाडा ने अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को उद्योग लगाने के लिए हस्तांतरित कर दिया है, जिस पर अडानी समूह द्वारा अंबुजा सीमेंट का ग्रेडिंग यूनिट लगाने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और इसी 29 जुलाई को यानी कि ठीक 3 दिन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भूमि पूजन एवं उद्घाटन करेंगे। बताया जा रहा कि 1400 करोड़ की लागत से अंबुजा सीमेंट एवं बिल्डिंग मटेरियल उत्पाद से जुड़ा उद्योग स्थापित होने जा रहा है और यह भी बताया जा रहा कि इसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलने जा रहा है और बताया जा रहा कि लगभग 8 से 10 हज़ार लोगों को इस उद्योग के लगने के बाद, अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री लगने के बाद अब रोजगार मिलने जा रहा है। 29 जुलाई को ही भूमि पूजन होना है और इस मामले में हमारी नज़र बनी हुई है। जब से उस कंपनी में वैकेंसी आना शुरू होगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। वैसे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बेरोजगार भाइयों एवं बहनों के मोबाइल तक पहुंचाने में अपना सहयोग जरूर दें ताकि लोग बिहारियों को बिहार में ही रोजगार मिल सके, उन्हें अपना घर परिवार माता पिता पत्नी बच्चे एवं गाँव को छोड़कर दूसरे शहर में जाकर शोषित और प्रताड़ित होकर पेट के लिए किसी का बात सुनकर मजदूरी करने की ज़रूरत ना पड़े। ये खबर आपको कैसी लगी, ये खुशखबरी आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा।